सो हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। और भाई आज मैं हूँ आसमानों की ऊंचाइयों पर। जैसा कि तुम देख सकते हो, लिटरली बादल मेरे नीचे है और हम सोजा पहुंच गए हैं। सोजा जिब्बी से थोड़ा सा ही ऊपर है और वहीं पे हमारा हॉस्टल बुक है। तो भाई ये हमारा हॉस्टल है और ये हॉस्टल के बाहर का व्यू, मतलब तुम देख रहे हो इतना प्यारा व्यू, बादल है भाई, सब सेट है भाई। शायद इतना अच्छा मैं कैप्चर नहीं कर पा रहा हूँ, इससे ज्यादा ही प्यारा होगा। यहाँ पे सारे अपने घर वालों को फोन करके बता रहे हैं हम पहुंच गए हैं हॉस्टल में। अपने बताते लक्ष्मण सब, हाँ ये बीटी देखे है, मतलब घर में बता के है कि कॉलेज जा रहा था पर पंजाब में। नहीं बताते लक्ष्मण, कुछ बताना पड़ता है ना, सबको पता देना चाहिए ना कि तू कितना गधा है, झूठ बोल के आता है घर से, शर्म तो आती नहीं है। अच्छा, हम तो उदयपुर में होने चाहिए ना अभी, वैसे हम अभी तो उदयपुर में होने चाहिए थे ट्रेन से। ये पार्ट में कट कर दूंगा, मेरे घर वाले भी मेरे को जाने ही देते, कहते बारिश हो रही है पहाड़ों पे मत जा, पर पहाड़ों पे तो ना इम्पोर्टेंट है, पहाड़ मेरा प्यार है, पहला प्यार नहीं पर पहाड़ प्यार है। क्या नाम था उसका? कैसा लग रहा है भाई पहाड़ आके? बहुत ज्यादा हो गया है, बहुत ज्यादा हो गया है, पर मजे आ रहे हैं। मजे तो अभी देखते जाओ, मजे तो आएंगे। और भाई अक्षित भाई कैसा लग रहा है? पहाड़ पहुंच गए फाइनली 18 घंटे ट्रैवल करने के बाद। 20 घंटे भाई, वर्थ इट है, वर्थ इट है, एट लास्ट वर्थ इट है, फटी बहुत। बस वर्थ इट है, 4-5 बसें चेंज करी, बट एक बार व्यू दिखा इनको दोबारा भाई, व्यू तो मतलब वर्थ इट है भाई, वर्थ इट है। तो भाई सक्षम भाई भी आ चुके, तो इनसे ही पूछते हैं कि इनको कैसा लग रहा है पहाड़ों पे आके, क्योंकि बहुत टाइम बाद हमारी साथ में ट्रिप बनी है। तो भाई कैसा लग रहा है ट्रिप पे आने का? तो बहुत खुश है क्योंकि व्यू तो इसने दिखा दिया हो कितना ही गलत व्यू है, पर ये है कि लास्ट के 3-4 दिन ही बहुत तगड़े गए हैं। तो अभी हम 2-3 दिन पहले भाई स्नेल, भाई कितना बड़ा है भाई, नहीं हरिओम नहीं चिपक जाएगी भाई, कितना बड़ा है ये भाई, इतना बड़ा भाई, तू गली जा गया। दिखाना चाहता हूँ, ये देखो मेरे फोन आधे फोन के साइज का, ये देखो इतना बड़ा। अरे भाई भाई यार क्यों करता है ये तो, भाई पागल है। अपनी कन्वर्सेशन कंटिन्यू करते हैं। हाँ, तो लास्ट के 3-4 दिन से इतना कुछ बढ़िया हो रहा है। अभी 3 दिन पहले हम अभय के साथ गए थे, एक बहुत तगड़ी वीडियो आएगी इसके चैनल पे, वो अभी तक मैंने बताया नहीं है, पर मैं एक चैलेंज करने वाला हूँ। अगर ये वीडियो अगर तुम देख रहे हो तो सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि मैं एक चैलेंज करने वाला हूँ टर्निंग रुपीज 0 to 1 lakh, और उसमें मैंने 0 से क्या क्या किया है वो तुम देखना जरूर, क्योंकि मेरे को खुद एक्सपेक्टेड नहीं था कि मैं वो चीजें कर सकता हूँ। बाकी यही बोलेगा, कुछ बहुत ही एक्सप्लिसिट था सच में, तुम देखोगे ना तुम्हें खुद लगेगा कि भाई ये सब क्या हो रहा है, मतलब कैसे, मतलब मैं इतनी और वो करना चाहता, तुम लोग खुद जाके देखना बहुत ज्यादा। तो वो हुआ, उसके बाद कल मेरे लिए बहुत एक स्पेशल बढ़िया दिन था, क्योंकि मैंने एक जगह जाके परफॉर्म करा, उसके बाद फिर कल मैंने परफॉर्म करा और कल ही शाम को हम ट्रिप पे निकल गए तुषार के बर्थडे के लिए, एंड आज हम पहुंच गए। तो लगातार 3-4 दिन ही इतने एक्साइटिंग है, पर भाई ये सच में ऐसी जगह है जहाँ पे तुम रुक सकते हो एक हफ्ते अगर तुम्हें पीस वाली लाइफ चाहिए ना भाई। और भाई मनाली शिमला में भाई क्या इतना भीड़, यहाँ पे देखो लिटरली एक बंदा ही दिखेगा तुम्हें हमारे अलावा, बहुत कम बंदे हैं पर बहुत कम। तो तुम्हें लिटरली अगर तुम्हें वो पीस चाहिए ना, जो दिल्ली या मतलब सिटी लाइफ स्टाइल से तुम्हें थोड़ा ब्रेक चाहिए, तो यार ऐसी जगह पे आओ यार, थोड़ी ऑफ बीट जगह पे आओ। ये हमारा है, हम 6-7 जनों का बंकर बेड से यहाँ पे, और भाई कितने प्यारे तरीके से बने हुए, लकड़ी के बने हुए हैं और उस पर गद्दे लगे हैं बहुत सही, तो स्प्रिंग वाली मैट्रेस है। तो यहाँ पे अपन सोने वाले हैं, सोने का जुगाड़ तो हो गया। अभी 2 बज चुके हैं और भाई मौसम देख रहे हो तुम, मतलब अभी मैंने तुम्हें थोड़ी देर पहले दिखाया था कि बादल थोड़े दूर थे, पर अब भाई बादल एकदम ही पास आ गया, मतलब हर जगह ही कोहरा हो गया है, कोहरा है, बादल है, बादल ही है, नहीं बादल है भाई, वो देखना। हम अभी रूम में बैठे थे, बजट डिस्कस कर रहे थे, एकदम से गेट खोला और सारे भक्के बाहर आए देखने के लिए भाई क्या हो रहा है। अभी फ्रेश होने के लिए मैंने सबसे पूछा कि टूथपेस्ट किस पे, तो मतलब सब अपना बैग पैक करते थे, सबको लगता है कि कोई ना कोई तो टूथपेस्ट पैक कर ही लेगा, पर आधे बंदों के पास नहीं है, पर भाई इनके पास था, इसका टूथपेस्ट खो गया, किसी ने नहीं निकाला है किसी ने। अबे टूथपेस्ट खो गया भाई, ऐसा मत करो, ब्रश करने का मन हो रहा है, दिमाग खराब हो रहा है, मुंह में अजीब सा हवा हवा हो रहा है, ऐसे कैसे चलेगा। अरे यार अभी मैं बोल रहा था कि भाई लाइफ सेवियर है, टूथपेस्ट नहीं मिल रहा, अब तो बीटी हो जाएगी, तो बीटी सी ना, किसी ने निकाला है, मैं लाया था भाई। टूथपेस्ट को कौन चुराएगा भाई, पैसे वैसे छोड़ कोई टूथपेस्ट कब से चुराने लग गया भाई, कौन सा था भाई, सोने का था क्या? देखना झंडल को कैसे पड़ा हुआ है, का करूं फिर, है याद आ गया, है अभी मिल गया भाई, मिल गया, दिक्कत की बात नहीं है, मिल गया, लाइफ सेवर अगेन, बैक टू बेसिक्स फाइनली। ब्रश करूंगा और क्या नहाऊंगा, घर पे तो नहाता हूँ नहीं, यहाँ पे नहाऊंगा। पर तो हमारे साथ ये लड़की भी आई है, कैसी हो, दिखा दे अपनी शक्ल, अरे शक्ल दिखाओ, शक्ल दिखाओ मुझको भाई, बाल छोटे, और देश की लड़की की दाढ़ी कैसे है, अरे लगाई है और आवाज
लगा आपको लगा होगा। फ्रेश फ्रेश हो गया मतलब थोड़ा अभी, और अब जा रहे हैं आपका लोकल मार्केट वगैरह देखने की क्या क्या है, तो अब चलते हैं भाई। इसमें तो फ्यूचर रहूंगा, फ्यूचर अभी सक्षम चल रहा है और चलेगा, रुक गया। सक्षम ने सांस ली भाई, फ्यूचर तो बता रहे थे। एक और मैं फ्यूचर बताऊंगा, इधर आओ भाई, सारे इधर आओ, सारे इधर आओ, सारे इधर आओ, इधर पास आओ, ऐसे मजा नहीं आएगा। देखो एक फ्यूचर बता रहा हूँ, तन में निकल गया अलाउ पड़ेगा चाटा। ओए भाई कौन से मारा, अत्तन में वापस मारेगा। नाम नहीं लिया क्यों, नाम नहीं लिया मारेगा। स्कैम हो गया भाई, इस तरफ आगे लड़ने आ रहे हैं। कितना प्यारा फ्लावर लग रहा है यार, रोज है, रोज है ये भाई, कितना सही लग रहा है। सलाम तक मुझे, मैं एप्पल का मालिक। पहाड़ों के कुत्ते इतने प्यारे होते हैं भाई, मतलब लिटरली ऐसे होते हैं कि तुम जहाँ तुम जाओगे ना तुम्हारे साथ वहां तक जाते हैं, पर आगे आगे चलते हैं, इतने मतलब फ्रेंडली नहीं होते, पर तुम्हारे साथ तो जाते ही जाते हैं, ऐसा तो ये सीन होता ही है। बालू वालू आ जाए, मतलब हम पिछले भी किसी हर ट्रैक पे गए हैं तो हर बार हमारे साथ भाई गए हैं, एक ना एक डॉग्स गए हैं। एक बार तो हम पता नहीं कब कहां का ट्रैक था, याद नहीं है, जब हम रात को करे वाइचिन वाला भाई, इतना लंबा ट्रैक, उसके बाद कुछ और तीन मार देगा, तीन भाई, तो गाड़ी ऐसे सुई सुई करके आती है ना, फट्टी है यहाँ पे चलने में बहुत। पहाड़ी कुत्ते तुम्हारे साथ इसलिए चलते, कोई जंगली जानवर वगैरह आ गए तो वो तुम्हें उससे प्रोटेक्ट कर सके। और ये खुद कुत्ते नहीं होते, सारे भालू के बच्चे होते हैं, मतलब बहुत भाई एकदम फ्लफी। घूमने आ तो गए पर थोड़ी बहुत बारिश अभी भी हो रही है, मतलब बहुत थोड़ी थोड़ी पर हो रही है। मतलब हमने वेदर फॉरकास्टिंग में जब देखा था तो जिब्बी में जितने दिन हम रुक रहे हैं उतने दिन हर दिन बारिश तो थी, इतनी बारिश नहीं है कि तुम्हारा दिमाग खराब हो जाए, इतनी बारिश है कि भाई तुम सुकून में रहो, मजा करो। ये जगह कुछ ज्यादा ही ऑफ बीट है, मतलब लिटरली हम बहुत आगे तक चल लिए और तब जाके हमें एक राशन की दुकान मिली है, जैसे हम नॉर्मल चिप्स वगैरह उठा रहे हैं। तो भाई मैं जहाँ पे तुम्हें बता रहा था चिप्स वगैरह लेने आए हैं, वहीं पे खाना ही मिल रहा था, तो ये ऊपर उनकी सिटिंग है तो हम यहाँ पे बैठने वाले हैं, बाहर बैठेंगे हम टेरेस का व्यू लेते हुए और खाना खाएंगे यहाँ पे। सबकी एक एक मैगी और एक एक मोमोज की प्लेट आ गई है, नया तरीका खाने का, मोमोज मैंने रामेन बना दी, मोहन मैगी में डोए खा रहा है। अच्छा लग रहा है, तुषार भाई की टेक्निक देखो, देखो अरे भाई इसकी प्लेट देखो। अब हम जा रहे हैं वाटरफॉल, यहाँ पे शोजा में एक वाटरफॉल है, वहाँ पे जा रहे हैं, 10-15 मिनट का ट्रैक है अपना, पर बीटी यही है कि 5 बज चुके हैं तो 6:30 तक मेरे को जहाँ तक लग रहा है अंधेरा हो जाएगा, तो तब होगी बीटी स्टार्ट, क्योंकि अंधेरे में पहाड़ों में तो कोई निकलता नहीं है, तो वही सीन है, फटे ना बस हमारी, पर चलते हैं भाई, मजे तो आएंगे। वाटरफॉल जा रहे हैं भाई, धुंध इतनी हो गई है ना कि थोड़े से आगे का ही कुछ दिख नहीं रहा है कि क्या है आगे। ओजा वाटरफॉल किस तरफ पड़ेगा भाई, को आइडिया नहीं है, दूसरे भाई से पूछो। और साइड में गाड़ी आ रही है, ओजा वाटरफॉल किस तरफ पड़ेगा, कितना कैची है ना वहां से थोड़ा ऊपर चढ़ाई, ठीक है, थैंक यू। अरे पॉटर भाई, हैरी पॉटर, ओए वोल्डेमॉर्ट ने हैरी पॉटर के कान में क्या बोला, उसने बोला भाई तो पक्का रास्ता खत्म हो गया, अब है कच्चा रास्ता भाई, यहाँ से हमें नीचे जाना है इस रास्ते से, और वहाँ नीचे जाके वाटरफॉल है, ये एक एडवेंचर स्पोर्ट हो गया। पैर फंसा के छिलवा लेते हैं कोई, अबे वो रास्ता तो नहीं है, कहीं वहाँ जा रहे हो, अबे ये कहाँ जाएगा, पर घास जली हुई है पूरी, घास पूरी जा रखी है, रास्ता हो सकता है, घास पूरी जा रखी है, सही है, चल एक बार यहाँ से करके देख लो। तो भाई ये रास्ता है जो सोजा वाटरफॉल के लिए जा रहा है, हम मतलब काफी कंफ्यूज है, जो मैं तुम्हें पहले दिखाया था या तो वो रास्ता हो सकता है या तो ये रास्ता हो सकता है, पर हमें यहाँ पे दिखा कि घास थोड़ी हटी हुई है, तो हमने ये हमारे डिटेक्टिव भाई ने कहा कि यहाँ से चलते हैं, ये वाला रास्ता पक्का ही होगा, तो अब इस वाले रास्ते पे जाके देखते हैं कि हम वाटरफॉल पहुंचते हैं कि नहीं। बड़ा मुश्किल है चलना, एक तो चप्पल में मैं और आ गया, बीटी हो रही है बहुत ज्यादा चप्पल में आने में, तो अब ये सीन हुआ है कि ये दो बंदे चक्कर के आ रहे हैं कि ये वाला रास्ता है या जो मैं तुम्हें पहले दिखाया था वो वाला रास्ता है, तो अगर ये वाला रास्ता सही हुआ तो इसी रास्ते पे चल लेंगे। काफी एडवेंचरस होता जा रहा है ये ट्रैक, मेरे को नहीं पता सोजा वाटरफॉल पहुंचेंगे कि नहीं, पर ये रास्ता जिसमें हम जा रहे हैं ये काफी ज्यादा
इंटरेस्टिंग है। देखो पानी की आवाज तो आ रही है यहाँ से। मेरे बगल वाली दीवार देखने कैसी हो रही है, पीली कलर की दीवार, काई जमी हुई है फुल पावर। ओ दिख गया भाई वाटरफॉल, दिख गया, ये सही रास्ते पे गए हम भाई। हाँ सॉरी, आराम से चलना है, बहुत स्लिपरी रास्ता है पता है। हमसे पहले दो लोग आए हैं, वो गिर गिर के आए हैं, मतलब हमें स्ट्रेंजर मिले रास्ते में तो वो दिखा रहे पूरा गिरे थे वो और कीचड़ हो रखे हैं उनकी पूरी पीठ पे, तो कह रहे हैं आराम से जाना भाई। हो तो हम भाई एकदम फूक फूक के जा रहे हैं, पर वाटरफॉल तो दिख गया है और जहाँ तक लग रहा है बहुत प्यारा है यहाँ से जो दिख रहा है। और अभी मैं ब्लॉग करते करते गिर गया तो नीचे जाके मैं बात करता हूँ तुमसे, आराम से पहले चल लेता हूँ मैं। कर ली भाई हमने कच्चा रास्ता भी और घास वाला रास्ता दोनों ट्राई कर लिया, पर दोनों में से कोई रास्ता नहीं जा रहा वाटरफॉल को। पता नहीं क्या हो रहा है, इतना भूल भुलैया ऐसा हो रहा है और पता नहीं क्या सीन हो रहा है भाई एकदम ही। और ट्रैक इतना गलत है, इतना ज़्यादा स्टीप है वो कि वो बिल्कुल जाया नहीं जा रहा। थ्री फेल्ड अटेम्प्ट्स लेटर वी स्टिल आर फेल्ड टू, हमारे तो तीन हो गए ना। तो भाई तीन बार मेरे अभी और हरी उनके सात लौंडों की कोशिशों के बाद भी हमें झरना नहीं, जबकि मैं गिरा हूँ आप वो देख सकते हो। मतलब का एडवेंचर हो गया, वाटरफॉल मिला नहीं। और वाटरफॉल के भाई सबसे इजी ट्रैक्स होते हैं कि भाई तुम तिपसा तिपसा जा रहे हो और रोड रोड पे आ जाता है, पर ये जो मैंने तुम्हें दोनों रास्ते दिखाए ना, दोनों इतने गंदे, इतने स्लिपरी, हमारे इतनी बार टांग फिसली। तो भाई अगर कभी तुम्हें आना है इस वाटरफॉल में तो किसी लोकल के साथ आना, क्योंकि हम अभी किसी लोकल के साथ नहीं है, हमने गूगल वगैरह पे देखा, YouTube पे देखा तो आ गए। हाँ तो हमारी आदत है इस टाइम पे हम गाइड वगैरह की हेल्प लेते हैं, पहले भी हम लोग गए हैं तो घुस जाते हैं। सबसे ज्यादा भाई जिसकी फटी है वो ये बंदा है। वो अक्षित भाई है, ये जॉब इंटरव्यू देने आया है पहाड़ों पे। भाई कुछ बोलने जाओगे, कैसा था ट्रैक बोलो बताओ। बहुत ही इजी ट्रैक है, आराम से कर लोगे, नंगे पैर जाना। भाई मौत को टक से छूने वाला एक्सपीरियंस किया अभी हमने, कसम से भाई बहुत ज्यादा वो हो गया एकदम, ये तो थ्रिलिंग से हो गया। एग्जैक्टली, ये ज्यादा एग्जैगरेट हो गया, जो भी हो स्पेलिंग बोलियो, ये स्पेलिंग आती है भाई, ये एग्जैगरेट के बता दूं ना। वाटरफॉल मिला बे, मतलब मैं नीचे गए दो बार, इधर भी उतर गए, इधर भी उतर गए, अब वापस ऊपर जा रहे हैं। पर बीटी बस यही है ना, दिल्ली में कभी चले नहीं, दिल्ली में तो हर टाइम पिछवाड़ों के नीचे या तो स्कूटी होती है बाइक होती है, तो वही ना अभी या गाड़ी होती है या ओला या मेट्रो, समझ गए वो, या मेट्रो या उबर या साइकिल ई रिक्शा, बस कर दे या तू ये कर लो पहले। इतनी चलने की आदत नहीं है ना, तो एक चलना पड़ रहा ना तो उसमें फट रही है बहुत ज्यादा। काफी मुश्किलों के बाद कुछ ना कुछ करके, थोड़ा बातों में अपना टाइम पास करके, हम बहुत मुश्किल से हॉस्टल पहुंच तो गए, पर हॉस्टल पहुंचने के बाद इतना थक गए थे कि मतलब हिम्मत ही नहीं हुई मेरी ब्लॉग वगैरह करने की या कुछ रिकॉर्ड करने की। आपको अगर ये ब्लॉग पसंद आया तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। तो मिलते हैं अगले ब्लॉग में जो इस सीरीज का आने वाला है, तो तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड।